बंगाल की मुंतकली की जानी बहम संगे मील नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल ने अरकान से हल्फ लिया। सत्रहवें पंजाब असम्बली का पहला इजलास 46 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, कौम अच्छे की उम्मीद रखे। ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे, नवाज शरीफ की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, लोगों ने वोट शेर को दिया, जीत कोई और गया। हमजा शहबाज की असेंबली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। असेंबली का माहौल बेहतर बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। 13 साल बाद असेंबली में आए हैं नामजद स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। मुखालिफीन पर तंकीद, बोले काली और नीली पट्टियां चलती रहती हैं, जो मर्जी बांध लें। ऐसी ओपोजिशन करेंगे कि इमरान खान को दिन में तारे नजर आएंगे। हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद पर हुकूमत बनने जा रही है, नए पाकिस्तान की बुनियाद झूठ पर मबनी है। ख्वाजा साद रफीक के कप्तान पर वार, कहा थैलों से वोट निकलते तो इमरान खान मुंतखिब ना होते। तहरीक इंसाफ को 175 अरकान के साथ अददी बढ़तरी हासिल, काफली की भी 10 सीटें। नून लीग के अरकान 162 जबकि पीपल्स पार्टी के 10 अरकान, 3 आजाद रुकन और राह हक पार्टी का 1 रुकन शामिल। इजलास के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। स्पीकर पंजाब असेंबली और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी से होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी परवेज इलाही स्पीकर और दोस्त मोहम्मद मिजारी डेप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। नून लीग की जानिब से चौधरी इकबाल गुज्जर स्पीकर के उम्मीदवार नामजद। वजीर अला पंजाब का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। नया ऐवान, नया वलवला, नया आजम। नौ मुंतखब खवातीन अरकान की भी असेंबली आमद। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सानिया आशिक और हिना सुहेल बट समेत खवातीन अरकान असेंबली पहुंच गई। लीगी एमपीए जेबू निसाक की नवाज शरीफ की तस्वीर पर ऐवान के अंदर ले जाने की कोशिश एहलकारों ने रोक दिया। और वेलकम टू पंजाब असेंबली, सियासी इनिंग्स की शुरुआत पर अरकान असेंबली का फूलों से इस्तकबाल। नौ मुंतखब अरकान असेंबली को खुशगवार हैरत। अरकान की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया।